जब हम आरी वर्क पैडिंग डालकर करते हैं तो उसे इम्बोज्ड आरी वर्क या इम्बोज्ड लोड स्टिच कहा जाता है। ये पैडिंग डोरी का हो सकता है या सादी या नक्शी का। हे दोस्तों, मैं हूँ एहसान वर्क वाला और आज मैं आपको इम्बोज्ड आरी वर्क बिल्कुल स्टार्ट से सिखाने वाला हूँ। आरी वर्क से रिलेटेड इस तरह कंटेंट को सीखने और करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को ओके कर दें। गाइस, हैंडवर्क में सबसे आसान काम किसी सीधे लाइन पर वर्क करना होता है, इसीलिए जब भी मैं कभी बिगिनर लेवल का वीडियो बनाता हूँ तो सीधे लाइन से ही स्टार्ट करता हूँ। लेकिन आप इस सीधी लाइन को अंडर एस्टिमेट मत करो। अगर आप इस सीधी लाइन पर लोड सिलना सीख गए तो ये आप पे कैरी में भी सिल सकते हो। इसी तरीके से गले के राउंड में भी यही सिलाएगा, आस्तीन में, दुपट्टे के बॉर्डर में, साड़ी के बॉर्डर में भी ऐसे ही सिलाएगा। इस वीडियो में मैं 5 अलग अलग डिज़ाइन पर इम्बोज लोड स्टिच आपको सिखाऊंगा और इसे सीखने के बाद आप पे किसी भी तरह के डिज़ाइन पर आप आसानी से इम्बोज्ड एम्ब्रॉयडरी कर लोगे। इसके लिए आपको वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखना है। जब भी आपको इस तरह के लाइन पे लोड सिलना है तो हमेशा क्रॉस में सिलना है, स्ट्रेट कभी नहीं सिलना है। क्रॉस में सिलने से ये डेलिकेट भी लगता है और बहुत जल्दी हो जाता है। यहाँ मैं नक्शी की पैडिंग डाला हूँ जो कि एक नॉर्मल पैडिंग है। अगर आपको कम उठाना है या डिज़ाइन की डिमांड कम उठाना है तो आप नक्शी की जगह सादी की पैडिंग डाल सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा उठाना है जैसे कि मोर वगैरह में होता है, मैंने इस वीडियो में मोर में डोरी का पैडिंग डाला था। बहुत सारे डिज़ाइंस में लोड बिना पैडिंग के ही सिला हुआ रहता है, तो प्रोसेस बिल्कुल ही सेम होगा, बस खाली वहाँ पैडिंग नहीं देना है। सिंपल लोड में टाइम थोड़ा कम लगता है और पैडिंग में यानी इम्बोज लोड स्टिच में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। ज़्यादातर इम्बोज लोड स्टिच जो है वो रेशम और सादी के केस में ही सिला जाता है, और वो भी कब, जब डिमांड हो डिज़ाइन को उठाने का। नहीं तो करदाना, पोत, ये तो खुद ही बड़ा बड़ा होता है, उसे आप बिना पैडिंग के भी सिलोगे ना तो भी वो उठा हुआ दिखता है। दोस्तों, अगर आप इन 5 शेप्स पर इम्बोज लोड स्टिच करना सीख गए तो आपके सामने फिर कोई सा भी डिज़ाइन आएगा आप आसानी से इम्बोज आरी वर्क कर लोगे उस पर। तो चलिए सब में सबसे पहले पैडिंग नक्शी का सिल देते हैं। गाइस, पत्ती का काम हमेशा ऊपर से स्टार्ट करना है, चाहे आप रेशम सिलें, कसब सिलें, नक्शी सादी कोरा सिलें, हमेशा ऊपर से स्टार्ट करेंगे तभी इसका शेप नोक बनेगा। हाँ, जब आप एक अच्छे आर्टिजन कारीगर बन जाओगे तब आप नीचे से भी उठा करके बना सकते हो। इस पत्ती को भी क्रॉस में ही सिलना है। अब इसके बाद आउटिंग कर देंगे ताकि पूरा तरह से शेप इसका बन जाए। ये आउटिंग आप उसी रेशम का भी कर सकते हैं, डिज़ाइन के अनुसार आप कसब का या सादी का भी कर सकते हैं। बाकी इन दो पत्तियों को हाफ हाफ करके सिलेंगे, पहले हाफ एक साइड में, उसके बाद दूसरे तरफ का हाफ पोर्शन सिला जाएगा।
आप पे दूसरे कलर का रेशम भी दूसरे हाफ में लगा सकते हो, यानी एक पत्ती में दो कलर शेडेड पत्ती। आप फैब्रिक्स पर इस तरह से डिज़ाइन ड्रॉ करके पैडिंग डाल दो, उसके बाद पहले रेशम का प्रैक्टिस करो, फिर कसब का, फिर नक्शी का, फिर शादी का, और करदाना और पोत का बिना पैडिंग डाले भी प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो मेरा एक तरफ का हो गया है, अब मैं दूसरी तरफ पत्ती का दूसरी तरफ सिल रहा हूँ। यहाँ मैं पत्ती को शेडेड करने के लिए दूसरा कलर का भी रेशम लगा सकता हूँ। ध्यान से देखें, यहाँ पत्ती के बीच में थोड़ा खाली जगह आएगा, इसमें मैं चाहूँ तो यही रेशम सिल सकता हूँ, पोत सिल सकता हूँ, नक्शी सिल सकता हूँ, इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। वो मैं अभी दिखाऊंगा। इसे भी आउटलाइन कर लें, कुछ डिज़ाइंस में आउटलाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वहाँ बिना आउटलाइन के ही वो अच्छा दिखता है, लेकिन कुछ ही जगह पे आउटलाइन करना पड़ता है, चाहे तो सेम कलर के रेशम से या फिर किसी दूसरे मटेरियल से। पक्का कर दिया मैं। इस तरह से प्रैक्टिस आप करोगे तो सिर्फ मेरा एक वीडियो देख करके आप पे 5-6 मटेरियल सिलना सीख जाओगे। गाइस वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक करते हैं, और अगर आपको आरी वर्क करने और सीखने में किसी भी तरह का इशू आ रहा है तो कमेंट करें, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। अब हमारी दूसरी पत्ती स्टार्ट होने वाली है, तो इसको भी आधा आधा ही करके सिलेंगे। दो तार किया हुआ रेशम वो ख़त्म हो गया, इसलिए मैं अब फिरोजी कलर का दो तार का रेशम लगा लिया हूँ। गाइज यहाँ आप एक चीज़ गौर करो, 5 शेप में से 4 शेप्स में जो लोडिंग सिला गया है वो क्रॉस लोडिंग सिला गया है। इससे आपको अहमियत चल गया होगा कि क्रॉस लोडिंग की कितनी अहमियत है। इससे काम फास्ट होता है, क्रॉस लोडिंग फास्ट होता है और डेलिकेट भी लगता है। सिर्फ ये जो पांचवा डिज़ाइन जो है, शेप जो है, जो मैं सिल रहा हूँ फ्लावर शेप में, खाली इसमें देखिए स्ट्रेट लोडिंग सिला जा रहा है, क्योंकि यहाँ क्रॉस सिलेंगे तो शेप में बैठेगा नहीं, और यहाँ क्रॉस अच्छा नहीं लगेगा, यहाँ स्ट्रेट अच्छा लगेगा।
अब इन दो पत्तियों के बीच में जो जगह बच गया है वहाँ मैं कॉपर पोत से सिल दे रहा हूँ। आप पे करदाना या सादी नक्शी भी सिल सकते। आप कमेंट करके मुझे बताएं कि कौन सा स्टिच आपको सिलने में सबसे आसान लगता है, चेन स्टिच, लोड्स या कांटा। आरी नीडल या नॉर्मल नीडल से रिलेटेड कुछ भी आपको सीखना है, जैसे कि जरदोजी वर्क, मग्गम वर्क, कश्मीरी वर्क के डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉट, तो चैनल को सब्सक्राइब करें।